Hi, so finally after a while I am back on YouTube and thanks for watching this video. I am in Udaipur right now and in this video I'm going to tell you and share my tips and tricks on how you can travel to Udaipur in a budget of just 3000 rupees from Delhi to and back. Okay, so keep watching the video until the end. Before we start traveling and having fun, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप उदयपुर थोड़ा बजट में ट्रैवल कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लिटिल मनी. सबसे पहला पॉइंट इसकी, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, स्पेशली मैं दिल्ली से बता रही हूँ बिकॉज मैं दिल्ली से आती हूँ जनरली, तो दिल्ली से यू कैन टेक अ ट्रेन टू उदयपुर एंड टिकट्स स्टार्ट फ्रॉम 200 रुपीज़ अराउंड, लाइक इट्स 175-225 ऐसे करके टिकट्स मिल जाते हैं इन अ नॉन एसी स्लीपर चेयर कार इन ट्रेन्स. तो दैट इज़ द लोएस्ट यू कैन गेट. इसके ऊपर आप अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो. यू कैन गेट ए सी चेयर कार, यू कैन गेट स्लीपर, देन ए सी नॉन ए सी, बट इट विल स्टिल बी वेरी चीप. इट विल नॉट बी बहुत महंगा नहीं होगा. इसके अलावा वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ बस, यू कैन टेक अ नॉन ए सी बस विच विल कॉस्ट यू अराउंड 600-700 रुपीज़, और यू कैन टेक एन ए सी वोल्वो बस विच विल टेक यू अराउंड 900-800. बहुत महंगा नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. उसके अलावा फ्लाइट्स तो चलती हैं, फ्लाइट्स का मैं नहीं बताऊँगा बिकॉज ये बजट ट्रिप के बारे में है, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. एंड जो रास्ता है जयपुर दिल्ली से उदयपुर आने का, वो आपका अराउंड लेगा 12-13 घंटे. तो अगर आप रात में चल रहे हो, लेट नाइट बस ले रहे हो, तो आप दूसरे दिन अराउंड वही सुबह में पहुंच जाओगे. तो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो आप रुको कहाँ, एंड इसका आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है. यू हैव टू स्टे इन अ हॉस्टल, जो कि ट्राई करना कि पास हो थोड़ा सा, मतलब यू नो दीज लोकेशन से जहाँ पे आपको घूमने जाना पसंद है ना. ये बहुत सारी लोकेशंस हैं एक्चुअली अलग अलग जगह पे, बट उदयपुर एक छोटा सा ही टाउन है. इट्स मोर लाइक 3-4 किलोमीटर के अंदर ज़्यादातर जो अट्रैक्शंस हैं, जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो हैं, एंड कुछ कुछ हैं जो बाहर की तरफ है. तो आई एम स्टेइंग एट मूस्टैश हॉस्टल, जैसे कि मैंने बताया था, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत पास में है. लाइक सिटी पैलेस इज वॉकिंग डिस्टेंस, लाइक नॉट इवन अ किलोमीटर. इट्स लाइक it was 450 meters. Then there is Jagdish temple right there, and ghat ke just like 20 seconds door hai bas ghat se. So there are a lot of good things about this place. Now iske alawa agar aap upgrade karna chaho, aap hotel wagera mein lena chaho, to inke paas rooms bhi hote hain, jaise ki mera room hai, it's quite pretty. Inke paas normal rooms bhi hain, non AC rooms, AC rooms, sab kuch. I'm staying at Moustache Hostels. Well, it is a hostel, but I'm staying in a superior room, and I'll show you the room, and you'll see. The best part is the bathroom, which you are going to be stunned to see. So while I was editing the video, I realized कि मैंने खाने के ऊपर तो कुछ बोले ही नहीं है. तो if you are traveling and you want to travel in budget, आप और hostel में stay कर रहे हो, the best thing is कि वहाँ पे kitchens होते हैं. आप अपना घर से कुछ भी सामान लेके आ सकते हो या buy कर सकते हो, और आप वहाँ पे खाना बना सकते हो. तो you know, अगर आप खुद से खाना बना रहे हो, आपका I think 2-3 दिन का totals 200 अराउंड आएगा आपका, you know, the food cost. या अगर आप बाहर खाते हो तो you can eat, यू कैन मेक योर ब्रेकफास्ट इन, मतलब एट हॉस्टल इट सेल्फ आप सैंडविच वगैरह बना सकते हो मॉर्निंग में, या चाय की दुकान पर मतलब चाय पी सकते हो, एंड यू कैन हैव सम यू नो बन मक्खन और ऑमलेट और ये सब. यू विल गेट इट एज चीप एज यू कैन गेट, लाइक 50-60 रुपये में. एंड अगर आपको खाना खाना है, यू कैन ऑर्डर फॉर ईटिंग एट ढाबाज, या फिर हॉस्टल में आप अपने थाली मंगा के खा सकते हो बिकॉज दैट इज़ द चीपेस्ट. या फिर अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हो, यू कैन ऑर्डर वन सब्जी एंड यू नो रोटी अलग से मिल जाती है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू मतलब यू नो हैव इट इन अ बजट, आराम से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बट अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो आई वुड से कि उदयपुर का खाना थोड़ा सा महंगा है. एंड ब्रेकफास्ट में यू कैन ट्राई आउट द कचौड़ी, समोसा, एंड यू नो मतलब दीज फेमस थिंग्स, बिकॉज वो वहाँ पे स्पेशलिटी भी है एक तरह से, तो आपका एक वो भी हो जाएगा क्विज़ीन ट्राई करने का. बट आई वुड डेफिनेटली से कि यू शुड ट्राई आउट अ फ्यू प्लेसेस जो खाने के लिए इंपॉर्टेंट है. बजट फ्रेंडली नहीं होंगी, बट यू शुड विजिट बिकॉज इट्स वेरी हाइप्ड अप एंड इट्स वर्थ दैट. इसके अलावा
मैंने सुना था कि उदयपुर में बहुत गर्मी होगी, बहुत यू नो ह्यूमिडिटी होगी, बहुत सारा सुना था, बट मैं आई हूँ, मुझे वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आई हूँ, मैं बताती हूँ आपको, अगस्त के महीने में, तो गर्मी दिल्ली में तो काफ़ी है, पर यहाँ पे मुझे ठीक ठीक मौसम लग रहा है। दिल्ली से कम गर्मी है, एंड ऐसा नहीं है कि आप यू नो पागल हो जाओगे गर्मी से। तो वेदर मुझे, आई थिंक आई एम लकी, मे बी बिकॉज थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, वेदर ठीक ठीक है। तो कपड़े आप उस हिसाब से लेके आना, गर्मी के ही कपड़े लाना। अगर आप ठंड में भी आ रहे हो तो आई थिंक ठंड के कम, गर्मी के ज़्यादा लाना, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ रात में ज़्यादा ठंड पड़ती है, दिन में इट्स ओकेश। और मुझे काफ़ी सारी जगहें पता चली हैं खाने की और घूमने जाने की, जो कि हम लोग आज जा रहे हैं। आज मैं स्कूटी रेंट करूँगी एंड देन आई विल गो टू अ फ्यू प्लेसेस। खाने वाली जगह आई थिंक आई विल एक्सप्लोर टुमारो, तो मिलेगी तो आपको इसी व्लॉग में प्रोबेबली, अगर ये व्लॉग बहुत लंबा नहीं होता तो लेट्स सी। अगर इस व्लॉग में नहीं मिली तो आपको वीडियो के एंड में लिखा हुआ आ जाएगा कंटिन्यू वॉचिंग व्लॉग 2, तो वो भी देख लेना। तो अभी लेट्स गो हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वील रन रेंट अ स्कूटी एंड ट्रेवल अलॉन्ग। चलो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई शेयर्ड ऑलमोस्ट एवरी थिंग दैट आई न्यू बजट में आप कैसे कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ऑब्वियसली दैट इज नीडेड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्लेसेज दैट आई विजिटेड एंड ऑल्सो एंड ऑफ बीट एडवेंचर दैट आई गॉट माई सेल्फ इन टू, जो वीडियो देख के पता चलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड लेट मी नो अगर कुछ और इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन आंसर योर क्वेश्चन एनीथिंग। ओके, वेल दैट बीइंग सेड,